हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित आप सभी को स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो लीजिए दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ नया वीडियो और नया जानकारी के साथ। जैसे कि आपने वीडियो का टाइटल में देखा होगा, आज हम क्रिसेंथेमम यानी सेवंती जिनके कटिंग्स हमने लगाया था, पहले हमने एक टब में लगाया था, फिर हमने एक 4 इंच के पॉट में ट्रांसप्लांट किया, फिर हमने 8 इंच के गमले में यानी पॉली बैग में ट्रांसप्लांट किया, फिर आज हम फाइनल यानी पार्ट 4 इस एपिसोड में हम पूरा 12 इंच के गमले में कैसे ट्रांसप्लांट करना है, उसको कौन कौन से खाद चाहिए और कैसे सॉइल मिक्स बनाए, ये आज के इस वीडियो में पूरा जानकारी देने जा रहा हूँ। तो आप वीडियो आपको अंत तक देखे, स्किप ना करें। और अगर आप मैं जो पॉइंट्स बता रहा हूँ वैसे आप यही स्टेप से अगर आप ग्रो कर रहे हैं करते हैं तो आपके यहाँ आपके क्रिसेंथेमम के पौधे के ऊपर मिनिमम 500 से 600 तक बर्ड्स निकल आएंगे और फूल भी खिलाएंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमने मिट्टी, पहले हम बात करेंगे मिट्टी के रूप में। हमने पहले नॉर्मल हमारा गार्डन सॉइल जो रहता है उसको हमने पहले सुखा लिया है अच्छे से। सुखाने से जो अंदर से जो भी अनवांटेड बैक्टीरिया वायरसेस रहते हैं वो सब मर जाते हैं। और इनकी और क्रिसेंथेमम को ग्रो करने के लिए आपको भुरभुरा मिट्टी चाहिए। भुरभुरा मिट्टी को भुरभुरा बनाने के लिए हम रेत, जो कंस्ट्रक्शन साइड में अवेलेबल रहता है रेत, वो रेत को मिक्स करेंगे। और खाद के रूप में आपके पास अगर वर्मी कंपोस्ट हो तो बहुत ही अच्छा है, वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। और गोट मैन्यूर हो तो गोट मैन्यूर ले सकते हैं, और गोबर की खाद हो तो गोबर की खाद ले सकते हैं, और पत्तों की खाद आपके पास जो भी अवेलेबल है वो खाद ले सकते हैं। इनको हमें बराबर मात्रा में मिक्स कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरे पास अभी 10 गमले में भरने के लिए मैं सॉइल मिक्स तैयार कर रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से बना रहा हूँ। आप देख लीजिए आपको कितना बनाना है, उसके हिसाब से ही आपको उसके रेशियो के बराबर में मिक्स कर लेना है। और अगर अब हम पॉटिंग मिक्स को रेडी करने के समय ही आपको क्या करना है, आपके पास अगर फंगीसाइड पाउडर हो तो आपकी सॉइल मिक्स को फंगस फ्री करने के लिए फंगीसाइड डाल सकते हैं। और अगर आपके पास ट्राइकोडर्मा है तो नए नए एंजाइम्स अंदर अच्छे डेवलप होते रहे, तो आपके पास अगर ट्राइकोडर्मा है तो ट्राइकोडर्मा मिला सकते हैं। और खाद के रूप में इनऑर्गेनिक खाद में मैं यहाँ पर DAP दे रहा हूँ। DAP यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट डालने से ज़्यादा कलियाँ आने के लिए ये प्रमोट करता है, इसीलिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, डाई अमोनियम फॉस्फेट यानी DAP का मिक्स कर रहा हूँ। और रूट्स को अच्छे से डेवलप करने के लिए मैं यहाँ पर क्या मिक्स करूँगा अभी नेक्स्ट, एप्सम सॉल्ट यानी मैग्नीशियम सल्फेट भी आपको मिलाने, मैं आपको जब आप सॉइल मिक्स तैयार करते हो ये सब इंग्रेडिएंट्स आप मिला सकते हैं। अगर आपके पास अभी धान की भूसी है तो वो भी मिला सकते हैं, राइस हस्क और मस्टर्ड केक का जो पाउडर आता है वो भी आप मिला सकते हैं। तो आपको जो क्या भी करना है, आपका मिट्टी जो है अच्छे से भुरभुरा बना लेना है। तो आप अभी हम सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आपको क्या करना है, आपके गमले में इनको कैसे ट्रांसप्लांट करना है वो आपको मैं अभी बता दूंगा। दोस्तों आप जब भी पॉटिंग मिक्स तैयार करते हैं तो आपके हाथों में ग्लव्स पहनना चाहिए, क्योंकि मैं ये ग्लव्स पहनना भूल गया था। आप ये गलती ना करें, आप ग्लव्स ज़रूर पहन लीजिए क्योंकि ये नाखून के बीच में सब मिट्टी बच जाता है, और धोने के अगर आप धो लेते हैं तो भी मिट्टी थोड़ा थोड़ा बच जाता है, तो इसलिए आपको ग्लव्स ज़रूर पहन लेना चाहिए। और जब भी आप ट्रांसप्लांट करते हैं आपके जो भी पौधे हो या सिर्फ क्रिसेंथेमम ही नहीं, आपके पास जो भी कटिंग्स लगाते हैं उन सब कटिंग्स को हमें शाम के समय में ही ट्रांसप्लांट करना है, क्योंकि शाम के समय में जो हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा शॉक नहीं लगता है। अगर आप सुबह सुबह ट्रांसप्लांट कर देते हैं तो पूरा दिन भर का धूप में रह जाते हैं, और आपके जो भी आप ट्रांसप्लांट करते हैं जो भी कटिंग्स वो मरने के चांसेस रहते हैं, इसीलिए आपको क्या करना है, कभी भी आप ट्रांसप्लांट करते हैं शाम के समय में ही करना चाहिए। और ट्रांसप्लांट करने के लिए जो मिट्टी इस्तेमाल करते हैं हम सुबह में ही उन सब मिट्टी को सुखा लेते हैं, क्योंकि जो भी इसके अंदर फंगस हो या फिर कोई भी बैक्टीरिया हो सब मर जाता है, इसीलिए हमें क्या करना है, अच्छे से फंगीसाइड मिला ही लेना है चाहिए। और अभी हम क्या करेंगे, सारे हमारे जो भी पॉटिंग मिक्स तैयार है, इस हमने अभी तक जो कोई भी इंग्रेडिएंट्स बोला, जो चाहे रेत हो और वर्मी कंपोस्ट, DAP, मैग्नीशियम सल्फेट, इन सारे इंग्रेडिएंट्स को आपको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना चाहिए। और जो भी मैं यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स बोल रहा हूँ ये ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप मिला सकते हैं, या फिर सिर्फ नॉर्मल गार्डन सॉइल, वर्मी कंपोस्ट, रेत,
मिलाकर भी आप आपकी कटिंग्स के जो अभी हमने कटिंग्स तैयार किए कर लिए करके रखे उनको भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। सिर्फ उसके अंदर क्या करना चाहिए, थोड़ा सा मस्टर्ड के का लिक्विड फर्टिलाइजर हो तो वो उसको देते रहना चाहिए, उससे भी आपके आपके जो भी गमले में आप ट्रांसप्लांट करते हैं अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं इनको ट्रांसप्लांट करना। तो दोस्तों ये रहा 12 इंच का गमला और हमारे जो कटिंग्स हमने लगाया था, इन इन कटिंग्स में ढेर सारे अभी से ही कलियाँ बनने स्टार्ट हो गए हैं। हम रोज़ 2 या 3 दिन में एक बार इन सारे कलियों को कट कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम अभी इन सारे बर्ड्स को खिलने के लिए प्रमोट कर देते हैं तो ये ग्रो नहीं हो जाएगा। ये पूरा अपना एनर्जी जो है फूल को खिलने के लिए अपना एनर्जी वेस्ट कर देगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, इनके सारे बर्ड्स को पिंच कर देंगे। पिंच इनके सारे बर्ड्स को पिंच करने से क्या होता है, इसके इसके अगल बगल यानी इसके साइड से नए नए ब्रांचेस निकल आते हैं, तो नए नए ब्रांचेस में फिर 2-3 बर्ड्स निकल आते हैं। इसीलिए आपको अच्छे से इनको पिंच करके ट्रांसप्लांट करना है। अगर आप अब आप पिंच करके भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं या फिर इनको ट्रांसप्लांट करने के बाद 2 या 3 दिन के बाद भी पिंच कर सकते हैं। मैं यहाँ पर गमला भरते समय नीचे के साइड में क्या कर रहा हूँ, लीफ कंपोस्ट यानी जो सूखे पत्तों को रहते हैं ना, सूखे पत्तों को मिक्स कर ले रहा हूँ। सूखे पत्तों को मिक्स करने से जो है ये हल्के से स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइजर के रूप में काम करेगा। इसलिए इसके अंदर क्या है, सूखे पत्तों को मिला रहा हूँ और नीचे साइड में तो जो है थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट और थोड़ा सा DAP यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट और एप्सम सॉल्ट यानी मैग्नीशियम सल्फेट, इन सारों का छोटे छोटे थोड़े थोड़े पार्ट जो है मैं इनके गमले के अंदर फिर मिक्स करके लगा देता हूँ। इससे जो है अच्छे से आपके पौधे अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। देख सकते हैं मैं यहाँ पर अभी एप्सम सॉल्ट यानी मैग्नीशियम सल्फेट मिक्स करके करके लगा रहा हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास ज़्यादा मात्रा में है तो आप मिक्स करें, नहीं तो आपने जो है आपका पॉटिंग मिक्स तैयार करते समय में ही आपका जो ये सब इंग्रेडिएंट्स मिक्स करे हुए रहते हैं आपके पास है तो मिक्स कर दिए, नहीं तो नहीं। अगर आपको पॉली बैग फिर नेक्स्ट सीजन के लिए चाहिए तो आप अच्छे से इनको पॉली बैग को टेर करे बिना यानी इनको फाड़े बिना भी निकाल सकते हैं, या फिर आप इनको कट करके भी निकाल सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, इनको हमें नीचे से पौधों को पकड़ कर उल्टा करके निकाल सकते हैं। आपने देखा होगा, बहुत ही इजी मेथड से आप निकाल सकते हैं इनको। अभी हमें कोई भी डिस्टरबेंस नहीं करना है, हम कैसे निकालते हैं वैसे ही हम हमें क्या है अच्छे से वैसे ही ट्रांसप्लांट कर देना है। उससे जो अगर हम इनको डिस्टर्ब करेंगे तो इनके रूट्स अभी डेवलप हो चुके होते रहते हैं अच्छे से, तो इनके रूट्स कट होने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए हम आपको इसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं, सिर्फ वैसे ही आप लगा सकते हैं। मैं अभी पॉटिंग मिक्स में पूरा नहीं भर दूंगा, क्योंकि ऊपर के साइड में 1 या 2 इंच मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा, क्योंकि इनको क्या है खाद डालने के लिए ऊपर से थोड़ा सा गमला जो है खाली रख दूंगा। और पानी भी अगर आप पूरा ही भर आपका गमला भर देते हैं तो पानी डालने के बाद ही बाहर बह जाता है, तो आपको क्या करना है 2 या 3 इंच छोड़कर आपका पॉटिंग मिक्स जो है भर लेना है। और पॉटिंग मिक्स भरने के बाद इसको अच्छे से आपका जो गमला रहता है इसको अच्छे से प्रेस कर देना है, यानी ऊपर गमले में मिट्टी को प्रेस कर देना है, क्योंकि अगर आप वैसे ही प्रेस करे बिना रख देते हैं तो इसके अंदर एयर पॉकेट्स रहते हैं, एयर पॉकेट्स में फंगस लगने के चांसेस रहता है, फंगस लगने से फिर रूट्स को हार्म कर देगा। और आप देख सकते हैं ऐसे टैप भी कर सकते हैं, ऐसे टैप करने से भी आपका जो मिट्टी हो रहता है आपके गमले में वो अच्छे से सेटल हो जाएगा, इसीलिए आपको अच्छे से टैप भी कर देना है। आप देख सकते हैं मैं कैसे हल्के हाथों से, बहुत ही हल्के हाथों से प्रेस कर देते हैं तो भी अच्छा है। और अब देख आपको अच्छे से देख लेना चाहिए कोई भी बर्ड्स छूटे ना, अगर एक भी बर्ड छूटेगा तो आपका जो है प्लांट रहता है वो एक ही बर्ड के पीछे वो आपका पौधा जो है आपको उसका एनर्जी पूरा वेस्ट कर देगा, और एक एक बर्ड को फ्लावर खिलने के लिए आपका पूरा आप उसका पूरा स्ट्रेंथ वेस्ट कर देगा। इसलिए आपको क्या करना है, सारे बर्ड्स को कट कर लेना है। और मैं आपको और एक गमला भर के दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए दोस्तों।
तो दोस्तों अभी आपको अच्छा लगा होगा, और एक बार हमने ट्रांसप्लांट करने का वीडियो दिखाया आपको, और उनको वाटरिंग करके आपको क्या करना है, एक छायादार वाली जगह में रख देना है। और मैं यहाँ पर शाम के समय कर रहा हूँ, ट्रांसप्लांट कर रहा हूँ, आप भी शाम के समय में ही ट्रांसप्लांट करना है आपको भी। और इनको क्या करना है, 2 या 3 दिन के लिए अच्छे से छायादार वाली जगह में रखने के बाद इनको फुल सनलाइट में रख देना है, क्योंकि क्रिसेंथेमम एक सनलाइट लविंग प्लांट है। इन ये पौधा सनलाइट को बहुत पसंद करता है, कि जितना आप सनलाइट में रख देंगे तो आपका पौधा ऊँचा या उतना ही अच्छा ग्रो हो जाएगा। तो दोस्तों अभी हमने सारे हमारे कटिंग्स को लगा दिया है, करीब हमने 6 बजे बैठे थे इनको ट्रांसप्लांट करने के लिए, अब 8 बज रहे हैं, देख सकते हैं। मैं यहाँ पर लाइट में आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों आज का वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स में हमारा वीडियो सेंड करते रहिए, उनको भी जानकारी मिलना चाहिए।